गेट बंद करके आ रहा है। अभी हम लोग की औकात अगर दिखाना चाहे तो अभी दिखा देंगे। तो सम्राट को किस क्यों मिलने गए थे, मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए थे मिलने के लिए? जब वो विपक्ष में था तो राष्ट्रीय कहाँ का चोट लगी है देख लीजिए यहाँ पर चोट लगी। क्या हो क्या आश्वासन है? आश्वासन दिया लेकिन आश्वासन पर विश्वास होने को नहीं। परसों 15 तारीख को 2 बजे आप लोग उसके लिए हजार गाली कम पड़ेगी। घर पे बुला के और मारा है। बहुत झूठ मुठ का मऊगा की तरह आया है, एक मिनट बात किया है और बात का कोई सोल्यूशन तक नहीं पहुंचा है। हम लोगों में लाठी परवरता पूर्वक है। ठीक है, हम लोग साइड में हैं। इसे मार लगी है, मार हमारे अध्यक्ष को लगा है, हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव है। वो लेडी जो थी आगे लेडी को लगा। नहीं चलना पड़ेगा वहाँ। प्रमोद जी को लगा है। प्रमोद सर है यहाँ पर, इनको भी चोट लगी है काफी। इन पर लाठी चार्ज किया गया, इन पर लाठी चार्ज किया गया। देखिए भैया, बीजेपी कार्यालय पे आए थे और इनको पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गया और मार के दिन के साथ किया। क्या हुआ था भैया? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार द्वारा जो हम लोग को वार्ता के नाम पर सचिवालय बुलाया गया, बुलाने के क्रम में माननीय मुख्य सचिव जी के द्वारा कोई सुना नहीं का मांग पत्र लेकर अपमानित करने का काम किया। ऐसे स्थिति में हम लोग आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी जिस समय विपक्ष में थे, इसी कार्यालय में हम लोग को बुलाकर आश्वासन दिए थे कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोग को राज्य कर्मी का दर्जा लेंगे। लेकिन उसी क्रम में हम उनसे बात कर रहे थे तो बात करने के बाद उनके द्वारा आश्वासन मिला कि 15 तारीख को 2 बजे आप लोग शिष्टमंडल आइए, आपसे बात करेंगे। इसी उपरांत गए हैं तब तक पुलिस द्वारा बर्बरता चार जबरदस्ती किया गया। ऐसी स्थिति में किसी के जबरदस्ती खींच के गाड़ी में बैठा जाता, हम लोग पकड़ के जब लोग खींचे हैं तो लाठीचार्ज शुरू कर दिया। दो बच्ची जो लेडीज आती थी अभी हमको पकड़ रहा है, उनको उठा के ले गया है। आगे हम लोग एकदम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन हम लोग बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा लेकर आएंगे।